बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब्दुलहादीसर्विसेज में खुश आमदीद कहता हूँ आपको। आज मैं HEC और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको व्हील चेयर लैटरी व्हील चेयर का पहला मरला मुकम्मल हो चुका था, उसके साथ ही दूसरा मरला भी स्टार्ट कर लिया गया। तो इसमें तमाम जो व्हील चेयर हैं और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में जो या मास्टर क्लासेस में उसके बाद एमफिल क्लासेस में जो एडमिशन ले चुके हैं यानी उसमें स्टडी कर रहे हैं उनको व्हील चेयर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दी जाएगी। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है सारा प्रोसेस और उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली वर्क और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे अप्लाई करना है तमाम मालूमात इस वीडियो में होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन के ज़रिए सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सकें। तो सबसे वीडियो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो इससे पहले जो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं। लिंक जो है ना तमाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले आप HEC की वेबसाइट पर जाएंगे HEC.gov.p के, तो आपके सामने जो होम पेज आएगा वो इस तरह से होगा। तो उसमें आप IIM स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसको ओपन करेंगे। तो अब ये एक ख़ास कॉलम बना दिए गए, एक साइड पर इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है कि फिज़िकल और परमानेंट डिसेबिलिटी होने चाहिए, जो मज़ूर हैं टांगों से मज़ूर उनको ख़ास तौर पर व्हील चेयर दी जाएगी। ये सारा सिलसिला कुछ लिखा मालूमात पढ़ सकते हैं। जो है ना आपने करना क्या है कि मज़ूर हो और रेगुलर स्टूडेंट का हो, रेगुलर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट होना चाहिए। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी और लामाबावरपन यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, इनके जो स्टूडेंट होंगे वो रेगुलर ही गिने जाते हैं। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो BA क्यों नहीं कर रहे हों, MA कर रहे हों, जो भी कर रहे हैं इनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी HEC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी लिंक, वो भी आपने देख लेना है। तो भेजना कहाँ है कि आपने उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भेज देनी है, वाइस चांसलर को भेजनी है, वाइस चांसलर ऑफिस आगे लामाबावरपन यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके साथ वो उनको भेज देनी है, या अगर रेगुलर आप पा रहे हैं तो उनके वाइस चांसलर के ऑफिस में जमा करवानी है। वाइस चांसलर के ऑफिस वो HEC को भेज देंगे सिक्योरिटी के बाद, तो उसके बाद आपकी वो अप्लीकेशन सिक्योरिटी की जो एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको ईमेल भी आएगी और कॉल भी की जा सकती है और लेटर भी आपको भेजा जा सकता है कहाँ से आपने वसूल करनी है। तो मिलते हैं एक और चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ से। बेसिक चीज़ है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पहले यहाँ पर आया हूँ कि सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास कि वो टांगों से माजूर हैं, ठीक है, और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट ए भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो उसके बाद आपको आ जाता है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए एक उन्होंने यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, वो भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर न्यू टैब में। और बेनिफिट स्कीम्स के क्या फ़ायदा होंगे ये उन्होंने गवर्नमेंट के लिए लिखा हुआ है कि अवेयरनेस दे जाएगी। इससे पहले जो पंजाब में उन्होंने कौन कौन से दे दिया और सिंध में दे दिया है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस है, अभी पिक्चर गैलरी भी दे सकते हैं। इससे पहले जो सेरेमनीज हुई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं लेकिन टाइम ज़ाया नहीं करते। अब हम चले जाते हैं जी इस जगह पर यूज़र मैनुअल में। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जी इस तरह से आप जब अकाउंट बनाएंगे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये यूज़र मैनुअल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यूज़र मैनुअल लिखा होगा उसके साथ उसके आगे लिंक होगा,
वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए हम जो वेबसाइट इस्तेमाल होगी या वेबसाइट यूज़ करेंगे वो ये होगी कि आप लिखेंगे यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेंगे hcc.gov.pk/ सॉरी पहले eportal.hcc.pk/wheelchair। तो ये इसको आप इंटर प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया जी। अब हमने क्योंकि पहले इससे पहले हमने कोई आईडी नहीं बनाई हुई, अगर पहले आईडी बनाई हो किसी भी मकसद की आईडी बनाई हुई है तो यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते, चाहे आपने डिग्री टेस्टेशन के लिए बनाई थी तो वो भी यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन न्यू करना है, रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का फॉर्म होगा कि नेशनलिटी चूज़ करनी है, CNAC चूज़ करना है और रीजन कौन सा है, पाकिस्तान सब, उसके पास जो पंजाब सिंध वगैरह, कंट्री कोड सेलेक्ट करना है ये पाकिस्तान। तो अभी मैं वीडियो को रोक कर फॉर्म फिल कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। जैसे हम फॉर्म फिल करेंगे लेकिन नीचे एक लिखा हो प्राइमरी ईमेल और सेंड कोड, हम कैप्चा आगे नहीं जा सकते, कैप्चा फिल नहीं कर सकते जब तक हम सेंड कोड करेंगे, ईमेल पर एक कोड आ जाएगा। जैसे देखें ईमेल सेंड टू सक्सेसफुली, तो अब जो हमारे पास ईमेल आई होगी वहाँ से हमने कोड निकालना है। तो अभी मैं जी हमारे पास ये देखें सबसे पहले ऊपर ईमेल आ गई है और ये हमारा कोड है इसका, इसको हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे ताकि हम टाइम को बचा सकें और गलती भी नहीं होती इससे। कंट्रोल सी कर लिया और इधर आकर हमने कंट्रोल वी कर लिया और वेरीफाई ईमेल कर ली, तो यहाँ पर अब आ जाएगा कि ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली, ईमेल कोड वेरीफाई सक्सेसफुली। अब कैप्चा के लिए जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स है वो ओपन हो चुका है तो हम कैप्चा फिल कर लेते हैं P2RNY3। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एरर्स कुछ इस तरह से आ गए। रिफ्रेश करने के बाद और ऑटोमेटिक सेंड किया तो साथ ये हो गया, यू हैव बीन सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो हम दोबारा ईमेल की तरफ जाते हैं कि अब कोई नई ईमेल आई है जी, देखें जी HEC कॉमन प्रोफाइल, तो यहाँ पर डिटेल्स कुछ लिखी हुई है, बस ईमेल में उन्होंने बताया कि आपकी ये यूज़र आईडी है और साथ में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी कम से कम चीज़ें चाहिए होंगी आपको किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी स्कीम में फॉर्म भेजने के लिए। आपको ये चीज़ें चाहिए जी, पर्सनल डिटेल, कंटेक्ट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट। तो ये हम नेक्स्ट अभी आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो अभी हम यूज़र आईडी लगा कर, CNAC और पासवर्ड लगा कर साइन इन कर लेते हैं। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, इस होने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आ जाएगी जी, वही हम इसको पासवर्ड सेव कर लेते हैं ताकि फ्यूचर यूज़ हो सके। तो ये सारी डैशबोर्ड ऑनलाइन हेल्प प्राइम मिनिस्टर एक्टिव व्हील चेयर जी नीचे है, लेकिन सबसे पहले हमने माई प्रोफाइल को क्लियर करना है, इसको हम पहले ओपन कर लेंगे। माय प्रोफाइल में हमें तमाम इंफॉर्मेशन टाइप करनी होगी, फादर नेम उनका CNAC तक सेव एंड क्लोज करेंगे और नेक्स्ट पर अप्लाई कर क्लिक करेंगे तो साफ के साथ नेक्स्ट आ जाएंगे। डोमिसाइल अपलोड करनी है, ये KBs इनकी 15 KBs से कम होनी चाहिए। उसके बाद कंटेक्ट्स पर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट पर चले जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट पब्लिकेशन कोई है नहीं, कोई पब्लिश किया हुआ है, कोई रिसर्च वगैरह, प्रोजेक्ट, कोई क्वालिफिकेशन, स्किल्स, सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर लेटरी व्हील चेयर पर, एप्लीकेशन फॉर्म्स। आप देखें हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल बिफोर एक्सेसिंग एनी एप्लीकेशन। तो इसके लिए मैं फिल कर लेता हूँ माय प्रोफाइल पर। अभी आपने ओपन करके सारा सिस्टम डाटा फिल करने के बाद आप इसमें
कॉन्टैक्ट्स में आ जाएंगे, तो इसमें भी आप तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, ये आपने लाजमन तौर पर जो पहले वो इंटर करनी है मैट्रिक, उसके बाद यानी इस तरह से जो पहले क्वालिफिकेशन है वो आपने इंटर करनी है मैट्रिक, FA BA MA MPhil PhD वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंटर करना है। और उसके बाद आपके ये क्वालिफिकेशन डिटेल इस तरह से होगी, एक चीज़ पर क्लिक करने से वो इस तरह के एडमिशन फॉर्म वगैरह की तरह ओपन हो जाएंगे सारा, तो आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो मेन चीज़ ये है कि बाकी चीज़ें खुद खुद आ जाएंगी, ये आपने थोड़ा सा इनको यस करना है, और वैलिड सर्टिफिकेट है आपके पास कि नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जो सर्टिफिकेट आपको पहले में दिखाया है वो अपलोड यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है यहाँ पर अंडरटेकिंग करके, यहाँ नीचे सबमिट आ जाए, जब तक ये अपलोड नहीं करेंगे तो सबमिट का बटन नहीं आएगा। तो ये है वीडियो को मुखर करने की खातिर मैंने मुनासिब समझा कि यूज़र मैनुअल से ही आपको समझा दिया जाए, लेकिन आपके सामने पोर्टल तो भी वाजे हो चुका है कि यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर लेटर व्हीलचेयर पर जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये फॉर्म फिल करने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा अब्दुलहादी सर्विसेज में खुश आमदीद कहता हूँ आपको। आज मैं HEC और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको व्हील चेयर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का पहला मरला मुकम्मल हो चुका था, उसके साथ ही दूसरा मरला भी स्टार्ट कर लिया गया है। तो इसमें तमाम जो व्हील चेयर हैं और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में जो या मास्टर क्लासेस में उसके बाद MPhil क्लासेस में जो एडमिशन ले चुके हैं यानी उसमें स्टडी कर रहे हैं उनको व्हील चेयर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दी जाएगी। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है सारा प्रोसेस, और उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली वर्क, और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे अप्लाई करना है, तमाम तारी मालूमात इस वीडियो में होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन के ज़रिए सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सकें। तो सबसे वीडियो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो इससे पहले जो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं। लिंक जो है ना तमाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले आप HEC की वेबसाइट पर जाएंगे HEC.gov.p के, तो आपके सामने जो होम पेज आएगा वो इस तरह से होगा। तो उसमें आप IIM स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसको ओपन करेंगे। तो अब ये एक ख़ास कॉलम बना दिए गए, एक साइड पर इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है कि फिज़िकल और परमानेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जो मज़ूर हैं टांगों से मज़ूर उनको ख़ास तौर पर व्हील चेयर दी जाएगी। ये सारा सिलसिला कुछ लिखा मालूमात पढ़ सकते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पहले यहाँ पर आया हूँ कि सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास कि वो टांगों से माजूर हैं, ठीक है, और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट ए भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो उसके बाद आपको आ जाता है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए एक उन्होंने यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, वो भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर न्यू टैब में। और बेनिफिट स्कीम्स के क्या फ़ायदा होंगे ये उन्होंने गवर्नमेंट के लिए लिखा हुआ है कि अवेयरनेस दे जाएगी। इससे पहले जो पंजाब में उन्होंने कौन कौन से दे दिया और सिंध में दे दिया है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस है, अभी पिक्चर गैलरी भी दे सकते हैं। इससे पहले जो सेरेमनीज हुई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन टाइम ज़ाया नहीं करते, अब हम चले जाते हैं जी इस जगह पर यूज़र मैनुअल में। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जी इस तरह से आप जब अकाउंट बनाएंगे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा,
ये यूज़र मैनुअल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यूज़र मैनुअल लिखा होगा उसका, तो उसके आगे लिंक होगा, वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए हम जो वेबसाइट इस्तेमाल होगी या वेबसाइट यूज़ करेंगे वो ये होगी कि आप लिखेंगे यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेंगे hc.gov.pk/, सॉरी पहले eportal.hc.pk/wheelchair, तो ये इसको आप इंटर प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया जी। अब हमने क्योंकि पहले इससे पहले हमने कोई आईडी नहीं बनाई हुई, अगर पहले आईडी बनाई हो किसी भी मकसद की आईडी बनाई हुई है तो यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते, चाहे आपने डिग्री टेस्टेशन के लिए बनाई थी तो वो भी यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन न्यू करना है, रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का फॉर्म होगा कि नेशनलिटी चूज़ करनी है, CNAC चूज़ करना है, और रीजन कौन सा है, पाकिस्तान, उसके पास जो पंजाब, सिंध वगैरह, कंट्री कोड सेलेक्ट करना है ये पाकिस्तान। तो अभी मैं वीडियो को रोक कर फॉर्म फिल कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। जैसे हम फॉर्म फिल करेंगे लेकिन नीचे एक लिखा हो प्राइमरी ईमेल और सेंड कोड, हम कैप्चा आगे नहीं जा सकते, कैप्चा फिल नहीं कर सकते जब तक हम सेंड कोड करेंगे,